गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी। टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द कीमोथेरेपी ऑफ प्रोटोजोअल डिसीज़। प्रोटोजोअल्स यानी जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, अभी तक हमने बात की थी बैक्टीरिया की, बात की बैक्टीरिया के बाद हमने वायरस की बात की, वायरस के बाद हमने फंगस की बात की। ये सभी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और एक आपका जो प्रोटोजोआ होता है ये भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोटोजोआ में हम बेसिकली दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे या उसके डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट को देखेंगे। तो पहला आपका जो मलेरिया है, मलेरिया किसी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम एक आपका प्रोटोजोअन्स होते हैं उसकी वजह से होता है। उसकी चार स्पीसीज होती हैं, प्लाज्मोडियम बायोवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। इन सभी कारण आपका मलेरिया कंडीशन बनती है, तो ये भी एक प्रोटोजोअन डिसीज रहती है। दूसरी जो प्रोटोजोअन डिसीज होती है वो एंटामिक हिस्टोलिका डिसऑर्डर्स होता है। एंटामिक हिस्टोलिका की वजह से जो अमीबियसिस की प्रॉब्लम होती है, तो वो एंटामिक हिस्टोलिका इट इज ऑल्सो द प्रोटोजोआ। ठीक, नेक्स्ट बात करता हूँ। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम एंटी मलेरियल ड्रग्स के लिए। ठीक, तो उसके बाद हम सेकंड पार्ट जो देखेंगे उसका कीमोथेरेपी और प्रोटोजोअल डिसीज का देखेंगे। उसमें हम बेसिकली आपके एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स में वो पढ़ाएंगे आपको एंटी एमीबियसिस ड्रग्स के लिए, एमीबियसिस में यूज़ की जाती है वो एंटी मलेरियल ड्रग्स। दीज आर ड्रग यूज फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द रिलैप्सिस ऑफ मलेरिया। ये ड्रग जो होती हैं वो आपके मलेरिया से प्रोफाइलैक्सिस यानी बचाने के लिए ट्रीटमेंट में, और साथ में उसके जो रिलैप्सिस हो रही होती है, बार बार रिपीटेशन साइकिल चल रही होती है, मलेरिया बार बार होना होता है, उसको रोकने के लिए इसका यूज़ होता है। मलेरिया कॉज बाय द फोर स्पीसीज ऑफ द प्रोटोजोअल पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम। चार स्पीसीज होती हैं प्लाज्मोडियम की जिससे कारण मलेरिया होता है प्रोटोजोअल की। ये प्रोटोजोआ होता है जिसका प्रोटोजोआ पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, उसकी चार स्पीसीज होती हैं जिसकी वजह से मलेरिया होता है। और ये एपिडेमिक इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया एंड अदर ट्रॉपिकल कंट्री। मोस्ट इंडिया में भी बहुत ज़्यादा एपिडेमिक है, मोस्टली फैलता रहता है मलेरिया, बहुत लोगों को अक्सर हो जाता है। और ट्रॉपिकल जो कंट्री हैं उनमें भी एपिडेमिक कंडीशन है, मतलब बहुत जल्दी लोगों को स्प्रेड करता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम बेसिकली चार स्पीसीज कौन सी होती हैं? प्लाज्मोडियम बायोवैक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है। तो ये चार स्पीसीज हैं जिसके कारण ये आपका मलेरिया होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी मलेरिया एजेंट की बात करें तो फोर अमीनोक्विनोनी ये मोस्टली यूज होती हैं, क्लोरोक्विन, अमाइडोक्विन और प्रिमाक्विन होती हैं। इसके अलावा सेकंड क्यूनिन होती है क्लोनिन, मेथनॉल होता है, मेफाक्यूलिन है, सिल्कुना लेग्लोइड जो सिल्कुना जो रूट होती है उससे ऑपरेंट होते हैं, क्यूनिन और क्यूनोडीन होते हैं। इसके अलावा विगोनाइड्स कंपाउंड है, उसे प्रोगोनिल है और क्लोरोक्विनाइड है, और आपका फिर डायमिनोपैराडीन है जिसमें प्राइमेथामीन है, एट अमीनोक्विनोनिन है जैसे प्राइमिनी और टेफिनामिक्यूलिन है, सेवन नंबर आपका सल्फोनामाइड एंड सल्फोन जिसमें सल्फोडॉक्सिन है, आपका सल्फोमेथापैराजीन है एंड डेप्सोन आल्सो यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक होती है वो मलेरिया में यूज़ होती है, जैसे कि आपका टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और कैलेंडीमाइसिन। और नाइन नंबर हम सबसुकेट्रीन लैक्टोन्स की ड्रिंक होती हैं, वो भी यूज़ होती है ऐसे। ये मेरे लिए चाइनीज ड्रग्स होती है, चाइनीज के कुछ प्लांट्स होते हैं हमने ऑप्टेन की जाती है, जैसे आर्टिस्यूनेट्स और आर्टीमिरर और आर्टीडर और आर्टीलेरिन्स। इसके अलावा अमीनो एल्कोहल्स हैं जिसमें एलोफ्लेटरीन और लेमिनोफेट्रीन यूज़ की जाती हैं, और नेफा थाइपैराडीन में आपका पैरोलोएरिडीन है, और नेफ्थाक्विनोलिन में आपका एटोबैक्विनोलिन है। बेसिकली जो आपकी ड्रग आजकल जो यूज़ की जा रही है वो आपकी फर्स्ट से लेकर सेवन ड्रग जो होती हैं, फर्स्ट सेवन नंबर तक मोस्टली यूज़ की जाती हैं। अब जब आपका रजिस्ट्रेंट गिन कर लेता है तो उस कंडीशन में हम दिन रिमेनिंग ड्रग यूज़ करते हैं 8, 9, 10, 11, 12 कैटेगरी की एंटीबायोटिक के साथ में, जब रजिस्ट्रेंट गिन कर लिया जाए किसी पैरासाइट का उस कंडीशन में। ठीक है, तो मेन जो कॉमनली ड्रग यूज़ की जा रही है उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्लोरोक्विनिन। और क्लोरोक्विनिन के अलावा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन HQC आप बहुत नाम सुन रहे होंगे, जो आपका कोरोना में ऐसे प्रोफाइलैक्सिस यूज़ की जा रही है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन कोरोना के इन्फेक्शन में प्रोफाइलैक्सिस ड्रग यूज़ की जा रही है, क्योंकि ये जो हमारे प्रोफाइलैक्सिस लिए इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्लोरोक्विनिन है वो आपके हमारे अम्यून सिस्टम को क्या करती है, थोड़ा सा सप्रेस करती है। और अम्यून सिस्टम को सप्रेस होने की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं जो कोरोना के कारण जो ज़्यादा इंड्यूस हो रहे होते हैं, वो सिम्टम्स क्या होते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, सिम्टमिक ट्रीटमेंट है क्लोरोक्विनिन। क्लोरोक्विनिन जो है देते हैं कोरोना में, वो सिम्टमिक रिलीफ दे रहा है, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। सिम्टमिक मतलब जो सिम्टम्स इंड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सिम्टम्स होते हैं कोरोना इन्फेक्शन के वो सप्रेस हो जाते हैं। सिम्टमिक ट्रीटमेंट इज द सिम्टमिक ट्रीटमेंट में मेनली क्लोरोक्विन यूज़ किया जा रही है। क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बहुत साइड इफेक्ट भी हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक,
तो पहले हम बात करते हैं क्लोरोक्वीन की। इट इज़ रैपिडली एक्टिंग एरिथ्रोसाइट एरिथ्रोसाइट अगेंस्ट द ऑल स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम। इसको मैंने पहले बनाने से पहले आपको यहाँ दिखा देता हूँ किस तरीके से आपके इन्फेक्शंस होता है प्लाज्मोडियम का। जो स्पोरोजाइट्स होती हैं वो आपकी कोई मॉस्किटो एनाफिलीज होती है वो आपके स्पोरोजाइट को रिलीज़ करती है। वो स्पोरोजाइट्स हमारे ब्लड में होते हैं और ब्लड में अगर ब्लड में ही वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो मलेरिया होने के चांसेस नहीं हैं। अगर वो स्पोरोजाइट हमारे ब्लड से होते हुए हमारे लिवर में पहुँच जाएँ उसके बाद में लिवर में वो हमारे ग्रो करते हैं, लिवर में वो प्रोटेक्ट होते हैं, लिवर में वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। लिवर में उनके प्री इथोसाइटिस साइजोगोनी चलेगी जिसमें म्यूरोजाइट्स फॉर्म होते हैं और प्री एक्सीथरोटिक पाइप्रोडियम वाइवेक्स जिसमें हाइप्रोजाइट्स बनते हैं। तो जिस म्यूरोजाइट्स हेमोजाइट्स बनते हैं वो आपके फिर आते हैं ब्लड के अंदर जो आते हैं तो इस ब्लड के अंदर जब आना शुरू हो जाते हैं तो ब्लड के अंदर जो साइकिल चलती है उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइजोगोनी या ब्लड साइजोन्टोसाइट्स होते हैं। और जो मेन ब्लड साइजोन्टोसाइट में फिर जो आरबीसी में जाते हैं आरबीसी के अंदर ये मल्टीप्लाई होती हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद में ये गैमिट्स फॉर्म करते हैं और वहाँ से आरबीसी को ब्रेक डाउन कर देते हैं और ये गैमिट्स दोबारा मॉस्किटो के अंदर पहुँच जाते हैं मॉस्किटो एनाफिलीज के अंदर। और ये गैमेटोसाइट्स होते हैं, गैमेटोसाइट्स जो गैमिट्स को किल करते हैं वो गैमेटोसाइट्स कहलाते हैं। और जो ड्रग आपकी इथोसाइटिस साइजोगोनी में किल करती है उसे ब्लड साइजोन्टोसाइट कहते हैं। जैसे मैं आपको क्लोरोक्वीन पढ़ाऊंगा वो क्या है ब्लड साइजोन्टोसाइट कहलाएगी, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं इथोसाइटिक साइजोगोनी के ड्यूरेशन में जो के समय जो आपकी जो प्लाज्मोडियम की फॉर्म है उसको किल करते हैं तो वो क्या है ब्लड साइजोन्टोसाइट्स हैं। और जो आपके टिश्यू साइजोन्टोसाइट्स कौन से कहलाएंगे, जो आपके लिवर में जो प्लाज्मोडियम की फॉर्म अवेलेबल है म्यूरोजाइट्स या हाइप्रोजाइट्स उनको किल करते हैं। तो वो किलिंग फॉर्म जो किल करने वाली ड्रग है वो क्या कहलाएंगे टिश्यू साइजोन्टोसाइट्स कहलाएंगे। तो मैं आपको जो क्लोरोक्वीन पढ़ाऊंगा वो कौन सी है ब्लड साइजोन्टोसाइट्स, क्योंकि जो ब्लड यानी कि आरबीसी के आसपास आरबीसी में जो आपका प्लाज्मोडियम पहुंच रहा है उसको किल कौन करता है ब्लड साइजोन्टोसाइट यानी कि क्लोरोक्वीन कर रहा है। ठीक है, तो ये तीन टाइप की ड्रग हो सकती हैं टिश्यू साइजोन्टोसाइट्स जो कि प्लाज्मोडियम अगर लिवर में है उसको किल कर रहे हैं तो टिश्यू साइजोन्टोसाइट्स हो गए। अगर आपका ब्लड में अगर प्लाज्मोडियम उसको किल कर रहे हैं तो ब्लड साइजोन्टोसाइट हो गए। अगर गैमिट्स की फॉर्म में जो प्लाज्मोडियम है उसको किल कर रहे हैं तो वो गैमिट्स और साइट्स हो जाएंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लोरोक्वीन की। क्लोरोक्वीन बेसिकली क्या है ब्लड साइजोन्टोसाइट है, यानी कि ब्लड में जब ये पहुँच जाता है म्यूरोजाइट्स की फॉर्म में होते हुए तो ब्लड के अंदर जब मल्टीप्लाई होता है तो उस ड्यूरेशन में उस समय में ये उसको किल करने काम करते हैं। तो क्लोरोक्वीन इसलिए आल्सो कॉल्ड ब्लड साइजोन्टोसाइट्स। देखिए तो क्लोरोक्वीन क्या है, इट इज रैपिडली एक्टिंग इथोसाइटिक साइजोन्टोसाइट्स, समझ में आ गया होगा। इथोसाइटिक मतलब ब्लड में आरबीसी में कलेक्ट होने वाले इथोसाइटिक साइजोन्टोसाइट्स हैं या ब्लड साइजोन्टोसाइट्स हैं। अगेंस्ट ऑल स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के चारों स्पीसीज के अगेंस्ट में काम करेंगे। कंट्रोल मोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स ट्रैक अटैक्स इन 1 to 2 days, 2 से 2 दिन के अंदर ये जो क्लिनिकल अटैक्स होते हैं जो सिम्टम्स होते हैं उनको सप्रेस कर देते हैं। डिसअपियर द पैरासाइट्स फ्रॉम द पेरिफेरल ब्लड 1 to 3 days, और 1 से 3 दिन के अंदर क्या होता है जो ब्लड सर्कुलेशन जो प्लाज्मोडियम होता है उसको ये डिसअपियर कर देंगे, वहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। मोड ऑफ एक्शन की बात करें, मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है, प्लाज्मोडियम ड्राइव है न्यूट्रिशन बाय डाइजेस्टिंग हीमोग्लोबिन इन देयर एसिडिक वैक्यूल्स। अब प्लाज्मोडियम क्या करता है न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करता है, जो हीमोग्लोबिन होता है कहाँ का आरबीसी का, उस आरबीसी के हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करते हैं इनके एसिडिक वैक्यूल्स में, और एसिडिक वैक्यूल्स में डाइजेस्ट करने के बाद में जो न्यूट्रिशन मिलता है वो प्लाज्मोडियम लेता है। ये तो नॉर्मली बात होगी। अब आगे क्या होता है, क्लोरोक्वीन जो सी क्यू मतलब क्लोरोक्वीन इज एक्टिवली कंसंट्रेटेड बाय ए सेंसिटिव इंट्रा एरिथ्रोसाइटिक प्लाज्मोडियम, यानी कि जो आपका जो प्लाज्मोडियम आपके आरबीसी के अंदर पहुंच गया है इंट्रा एरिथ्रोसाइटिक प्लाज्मोडियम पहुंच गया है उसके अंदर इसकी हायर कंसंट्रेशन देखी जाती है इन्फेक्टेड आरबीसी के अंदर देन नॉन इन्फेक्टेड वंस, यानी कि जो क्लोरोक्वीन है वो ज़्यादा क्वान्टिटी में कंसंट्रेट किसके अंदर होगा, जो इन्फेक्टेड आरबीसी है प्लाज्मोडियम की उसमें ज़्यादा क्वान्टिटी पहुँच जाता है, और नॉन इन्फेक्टेड आरबीसी उनमें आसानी से इतना नहीं पहुँच पाता है। बाई एक्यूमुलेटिंग इन द एसिडिक वैक्यूल्स वैक्यूल्स ऑफ द पैरासाइट बिकॉज ऑफ इट्स वीक बेसिक नेचर इट राइज द वैक्यूलर पीएच। अब ये क्या करता है, जो क्लोरोक्वीन है वो आपका एसिडिक वैक्यूल होती है प्लाज्मोडियम की उसमें जाके स्टोर हो जाता है ऑफ पैरासाइट में, और इसकी बेसिक नेचर होने की वजह से क्या होता है, इट इज बेसिकली बेसिक नेचर जिसकी वजह से वैक्यूलर जो होता है वैक्यूलर की पीएच बढ़ने लगती है। देयर बाय इंटरफियर द डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय पैरासाइटिक लाइसिन, और जो पीएच बढ़ने के कारण क्या करता है ये इंटरफियर करता है डिग्रेडेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन को तोड़ने में बाई पैरासाइट लाइसोम, लाइसोम जो होते हैं वो आगे हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, डिग्रेडेशन नहीं कर पाते। कैसे नहीं कर पाते ये आगे देखते हैं। पॉलीमराइजेशन टू द टॉक्सिक हीम जनरेट
फ्रॉम डाइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन टू ए नॉन टॉक्सिक पैरासाइट पिगमेंट हीमोजेन इन द इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोक्विन कॉम्प्लेक्स। बेसिकली क्या होता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ टॉक्सिक हीम जनरेट फ्रॉम डाइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन टू नॉन टॉक्सिक पैरासाइट पिगमेंट्स हीमोजेन्स। अब क्या होता है कि जो आपका प्लाज्मोडियम है वो हीम क्या है उसके लिए टॉक्सिक होता है, हीम यानी कि जो आयरन हीमोग्लोबिन का जो हीम मॉलिक्यूल है वो उसके लिए टॉक्सिक होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम उसका पॉलीमराइजेशन करते हैं हीम का, और हीम को पॉलीमराइजेशन करने पर क्या होते हैं वो आपको पॉलीमराइजेशन जनरेट एंड डाइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसके बाद वो हम हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट कर लेते हैं और नॉन टॉक्सिक पैरासाइट पिगमेंट हीमोजेन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या है, सीधी सीधी बात है, जो हीम है उसका पॉलीमराइजेशन करेंगे पैरासाइट्स ये आपके प्लाज्मोडियम, और उसको चेंज कर देते हैं नॉन टॉक्सिक पैरासाइट पिगमेंट हीमोजेन में, और हीमोजेन को फिर वो आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है हीम सी, तो हीम किसके टॉक्सिक किसके लिए, प्लाज्मोडियम के लिए, तो हीम टॉक्सिक प्लाज्मोडियम हीम टॉक्सिक है इसलिए पॉलीमराइज करता है इनटू द पिगमेंट हीमोजेन में। इस प्रोसेस को ये क्लोरोक्विन को इनहिबिट कर देता है, और क्लोरोक्विन जब इनहिबिट कर देगा रोक देगा तो उससे क्या होगा, क्लोरोक्विन हीम कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिससे कि क्लोरोक्विन हीम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, हीम जो है हीमोजेन पिगमेंट में चेंज नहीं हो पा रहा है, और हीम क्लोरोक्विन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन क्लोरोक्विन हीमोग्लोबिन हीम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और यह हीम जो है इट्सेल्फ और इट्स कॉम्प्लेक्स विद क्लोरोक्विन ये जो होता है वो डैमेज कर देता है प्लाज्मोडियम मेम्ब्रेन को, और प्लाज्मोडियम के मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, तो इस तरीके से प्लाज्मोडियम वो होता है वो किल हो जाता है और वो डैमेज हो जाता है। तो ये इस तरीके से क्या करता है, प्लाज्मोडियम किल करते थे। दोबारा बता दूँ क्या होता है, जो क्लोरोक्विन है वो आपका इन्फेक्टेड आरबीसी है उसमें जाके पहुँचेगी, इन्फेक्टेड आरबीसी पहुँचने के बाद में जो आपके प्लाज्मोडियम है उसकी जो वैक्यूल है एसिडिक वैक्यूल है उसमें जाके स्टोर हो जाती है, और एसिडिक वैक्यूल में स्टोर होने के बाद प्लाज्मोडियम जो क्लोरोक्विन है उसका बेसिक नेचर है, जितने अमाउंट में क्लोरोक्विन वहाँ पहुँचेगी वहाँ एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीम होता है वो आपके हीमोजेन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और हीम के साथ में ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसे क्लोरोक्विन हीम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्लोरोक्विन हीम कॉम्प्लेक्स और हीम ये टॉक्सिक होते हैं प्लाज्मोडियम मेम्ब्रेन के लिए, आप प्लाज्मोडियम मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे प्लाज्मोडियम डिस्ट्रॉय हो जाता है, किल हो जाता है। अब बात करते हैं एंटी प्रोटोजोअल स्पेक्ट्रम की बात करें तो इट इज रैपिडली एक्टिंग एथोसाइटिक साइडोसाइड अगेंस्ट ऑल स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, यानी कि जो ब्लड है मैंने आपको बताया था एथोसाइटिक साइडोसाइड, यानी कि ब्लड में जो आपका प्लाज्मोडियम है ब्लड के सर्कुलेशन के ड्यूरेशन में, तो इसमें किल करने काम करते हैं, तो एथोसाइटिक साइडोसाइड्स ये कहलाते हैं अगेंस्ट ऑल स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम। इट हैज नो इफेक्टिव ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हिपेटिक स्टेज ऑफ द पैरासाइट्स एंड डज नॉट प्रिवेंट द रिलेप्सिस इन द बेवेक्स एंड ओवली मलेरिया, यानी कि ये जो लीवर के अंदर जो स्टोर हैं उसमें उसको ये इन्फेक्टेड नहीं कर सकते, उनको ये किल नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो आपका प्राइमरी सेकेंडरी हिपेटिक स्टेज है उसको उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और इसलिए जो आपके रिलेप्सिस हो रहे हैं मलेरिया वो क्यों होते हैं कि लीवर के अंदर ये स्टोर हो जाते हैं, और जब कुछ समय बाद में फिर वो एक्टिव होते हैं, तो जो रिलेप्सिस ऑफ मलेरिया हो रहा है उसमें भी ये इफेक्टिव नहीं है, रिलेप्सिस ऑफ बाइवैक्स और ओवली मलेरिया जो होता है उसमें इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो रिलेप्सिस को किल करने के लिए क्या है टिश्यू के अंदर जो आपके लीवर के अंदर जो प्लाज्मोडियम छुपा बैठा है उसको भी किल करना जरूरी है, लेकिन जो लीवर के अंदर छुपा हुआ बैठा है उसको ये किल नहीं कर पाते हैं, इसलिए इट इज़ नॉट इफेक्टिव इन द रिलेप्सिस ऑफ बाइवैक्स एंड ओवली मलेरिया, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी हिपेटिक स्टेज में जो आपका प्लाज्मोडियम होता है उसको भी किल नहीं कर पाते हैं, हिपेटिक में किल नहीं करते हैं, ओनली इस कंडीशन में किल कर सकते हैं। ठीक है, आगे ही बात करते हैं, तो क्लोरोक्विन हैज नो क्लिनिकल यूजफुल इन गैमेटोसाइडल एक्टिविटी, यानी गैमेटोसाइडल एक्टिविटी यानी गैमेट के फॉर्म में भी ये इसे किल नहीं कर पाएंगे, ये ओनली किल करते हैं आपके साइडोसाइड यानी कि ब्लड के अंदर किल करते हैं, और ये इसको ड्यूरेशन में भी किल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्लोरोक्विन इज एक्टिव अगेंस्ट द एंटामियोस्टोलिका एंड ग्रेडिया लेमिला एज वेल, और आपके दो और प्रोटोजोन्स हैं एंटामियोस्टोलिका उसको भी इसमें क्लोरोक्विन एक्टिव होता है उसको किल कर सकता है, इसके अलावा ग्रेडिया लेमिला को भी किल करता है। ये तो उसके हुए एंटी प्रोटोजोअल स्पेक्ट्रम की बात हुई, अब बात करते हैं ईडीएमई किस तरीके से एब्जर्व होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिक एक्सक्रीशन की। ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोक्विन इज एक्सीलेंट, अच्छी तरीके से एब्जर्व हो सकता है, एंड इट इज सेलेक्टिवली एक्यूमुलेट इन द रेटिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्युलर टॉक्सिसिटी, और जब ये हायर डोज की ली जाए तो हायर डोज में क्या करता है ये रेटिना पे एक्यूमुलेट हो जाता है, और रेटिना पे एक्यूमुलेट होने की वजह से ऑक्युलर टॉक्सिसिटी करता है। जब प्रोलॉन्ग हम लॉन्ग टर्म तक लॉन्ग डोज यूज़ करते हैं तो इसे देखने में एकोमोडेशन में
किसी चीज़ ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम होने लगती है और टॉक्सिटी हो जाती है। क्लोरोक्विन नीचे पार्टली मेटालाइज इन द लीवर और स्लोली एक्सेड इन द यूरिन, यूरिन से थ्रू बॉडी में निकल जाता है और आपका मेटालाइज होता है लीवर में। ठीक, एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो टॉक्सिटी ऑफ क्लोरोक्विन लो, वैसे तो टॉक्सिटी लो है लेकिन साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। अगर थेरेपेटिक डोज की बात करें उस कंडीशन में नोसिया है, वोमिटिंग है, एनोरेक्सिया, अनकंट्रोलेबल इचिंग है, एपिगेस्टिक पेन है, अनइजीनेस है, डिफिकल्टी इन एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब क्या है, किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करने में कभी कभी दिक्कत होने लगती है, और हेडेक आर फ्रिक्वेंट, क्योंकि क्यों ऑब्जर्व होने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये रेटिना पे जाके एक्मुलेट हो रहा है, इसलिए एकोमोडेशन में दिक्कत होती है, किसी चीज़ को कंसंट्रेट करके देखने में दिक्कत होने लगती है, और हेडेक आर फ्रिक्वेंटली एंड क्वाइट प्लेसमेंट। ठीक है, इंट्रावीनस इंजेक्शन अगर क्लोरोक्विन का देंगे तो वो आपका हाइपोटेंशन कॉज करेगा, कार्डियक डिप्रेशन करेगा, एरिथमिया करेगा, और सीनियर टॉक्सिटी के और इग्लोडियस सीजर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मोस्टली मोस्टली इन द चिल्ड्रंस में। अगर प्रोलॉन्ग इसको यूज़ करें, लॉन्ग टाइम में यूज़ करें, हायर डोज में यूज़ करें, जैसे रिमिटेड आर्थराइटिस में हम यूज़ करते हैं, तो उससे कारण क्या होता है, लॉस ऑफ विजन्स और रेटिना डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि रेटिना में हमारे आरबी और ऑकुलर में ये डिपोजिट होते हैं, जिसके कारण ऐसा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कंट्रा इंडिकेशन की बात करें तो इट इज़ अवॉइड इन द लीवर डिसीज़, सीवियर जी आई कोई जी आई इन्फेक्शन है उसमें भी इसी अवॉइड करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में अवॉइड करेंगे, रेटिनल और हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर में अवॉइड करेंगे, और किसी में अगर सीजर्स के चांसेस सीजर्स होते हैं तो उसमें भी अवॉइड करते हैं। क्लोरोक्विन शुड नॉट बी कंट्राइंडिकेटेड, उससे को एडमिनिस्ट्रेट ना करें मेफ्लोक्विन के साथ, मेडोरिन के साथ में, और एंटी एरिथमिक और ड्रग है उसके साथ ना करें, क्योंकि ये जो हमारी हार्ट की एक्टिविटी को उसको सप्रेस करते हैं, जो हार्ट की जो एक्टिविटी उसको कम करते हैं, इसलिए अदर एंटी एरिथमिक ड्रग्स या मेफ्लोक्विन मेडोरिन के साथ में इसे अवॉइड करते हैं, ना दें। यूज़ की बात करें तो इट यूज़ इन द चॉइस, इट इज ए ड्रग चॉइस फॉर क्लिनिकल क्योर ऑफ बाइवैक्स, ओवली, मलेरिया, ऑल टाइप ऑफ, तीनों टाइप के मैक्सिन इन्फेक्शन इसमें यूजफुल है। हाउवर इट इज यूज्ड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इज रेस्ट्रिक्टेड इन द फ्यू एरिया, स्टिल हैव ए ससेप्टेबिली प्लाज्मोडियम फाइवैक्स बट नॉट इन इंडिया, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के अगेंस्ट में ये इफेक्टिव नहीं है, वहाँ रजिस्ट्रेशन गेन कर लिया है, लेकिन इंडिया में ये अभी भी इफेक्टिव है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम यानी चारों स्पीसीज के में एक्टिव रहता है। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस यानी कि अमीबियासिस जो हमें इंटेस्टाइन के अलावा पूरी ब्लड में हमारी बॉडी कहीं और पहुँच गया, अमीबा एंडोबियस टू लेकर हमारे इंटेस्टाइन निकल के कहीं और पहुँच गया है, इंटेस्टाइन में है तो उसे इंटेस्टाइनल अमीबियासिस बोलेंगे, और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन से निकल के हमारे ब्लड में पहुँच गया। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में इफेक्टिव है, और रिमिटेड आर्थराइटिस मैंने बताया था ये आपके इम्यून सिस्टम सप्रेस करता है, जिससे कि जो सिम्टम्स होते हैं रिमिटेड आर्थराइटिस के वो सप्रेस हो जाते हैं, उसमें भी ये यूज़फुल है। ये कंप्लीट हुआ आपका एंटी मलेरियल ड्रग्स, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा, और आपको लगता है ये किसी को शेयर किया जाए तो उसकी यूज़फुल हो जरूर शेयर कीजिएगा, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट ड्रग के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।